दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि जब आपका चैनल YouTube पे मोनेटाइज हो जाता है तब आप ये अर्निंग कर सकते हो। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आपको पता है कि आपको अपने चैनल पर लास्ट 12 मंथ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जो है इसको पूरा करना होता है। जैसे ही आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो फिर दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद आपकी वीडियोस पर एड्स आते हैं जो कि YouTube की तरफ से एड्स आपके वीडियो पे जो भी चलेंगे उसके द्वारा आपकी अर्निंग होती है। अब ये जो एड्स होते हैं ना दोस्तों इसी एड्स के द्वारा आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपकी वीडियो पे एड्स आए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर एड्स नहीं चले तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इतना तो आप समझ चुके हो कि YouTube पर लाइक्स का कोई पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो व्यूज़ आते हैं तो व्यूज़ के द्वारा एड्स चलते हैं उनका पैसा मिलता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यूज़ का भी कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर किसी बंदे ने आपकी वीडियो को ओपन किया और उसकी वीडियो पर अगर एड्स नहीं चला तो आपको कोई पैसा वहाँ से नहीं मिलेगा। अगर मान लो इस तरह आपको 1000 व्यूज़ मिल जाते हैं और उस व्यूज़ पर अगर एक भी ऐड नहीं चला तो ऐसे में दोस्तों आप उस वीडियो से एक रुपया भी अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक एड्स नहीं चलेगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब तो आप समझ चुके होंगे कि यूट्यूब पर जो भी अर्निंग होती है वो व्यूज़ की नहीं सिर्फ एड्स की अर्निंग होती है, एड्स का ही पैसा मिलता है। अब ये जो एड्स के द्वारा अर्निंग होती है दोस्तों ये भी कई फैक्टर पे डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप ये वीडियो जो है 8 मिनट से छोटी वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें दोस्तों आप मल्टीपल एड्स नहीं आप लगा सकते, तो ऐसे में उस वीडियो की अर्निंग भी कम होती है। और अगर 8 मिनट से लंबी वीडियो रहती है तो उसमें आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, तो जितनी बार अगर आपकी वीडियो में एड चलेगा उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। दोस्तों इस अर्निंग के और भी बहुत से फैक्टर है, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो को कहाँ की पब्लिक देख रही है। अगर आपकी वीडियो इंडिया के लोग देखते हैं, एशिया के लोग देखते हैं तो आपकी अर्निंग कम होती है, बट अगर आपकी वीडियो को कोई USA देखता है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो इस पर भी ये डिपेंड करता है। प्लस दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है, लाइक आपकी वीडियो जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, आप वीडियो में क्या कर रहे हो। अगर आप वीडियो में किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हो, अर्निंग के बारे में बात करते हो, तो आपकी वीडियो की अर्निंग ज़्यादा होती है। अगर आपकी वीडियो में नॉर्मल एक अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो या फिर गेमिंग करते हो तो ऐसे वीडियो की अर्निंग भी कम होती है। ये सब डिपेंड करता है आपकी वीडियो पर किस तरह के एड्स प्ले होते हैं। इस तरह के जो एड्स है दोस्तों ये और भी बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है कि लाइक आप किस तरह की वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जिस चीज़ से आपकी वीडियो रिलेटेड होती है उसी तरह की आपकी वीडियो पर एड्स चलते हैं। कुछ एड्स सस्ते होते हैं, कुछ एड्स महंगे होते हैं। लाइक मान लो कि अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, गेमिंग करते हो, तो ऐसे वीडियोज़ पे दोस्तों जो एड्स चलते हैं वो सस्ते एड चलते हैं तो उनकी अर्निंग भी कम होती है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ पर कम डॉलर मिलता है। बट कुछ ऐसे वीडियोज़ है लाइक अगर आप मोबाइल अनबॉक्सिंग कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो जो अर्निंग वेबसाइट है, या फिर दोस्तों अगर आप बिटकॉइन के बारे में बता रहे हो, क्रिप्टो करेंसी या गूगल एड्स के बारे में बता रहे हो, तो इन सब वीडियोज़ पर दोस्तों अर्निंग ज़्यादा होती है। वैसे दोस्तों अगर आपका यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड चैनल है, अगर आप यूट्यूब टिप्स देते हैं तो एक तरीके से आपकी जो अर्निंग होगी तकरीबन $1 की जो अर्निंग होती है वो आप ये मोटा मोटा मान सकते हैं कि तकरीबन 2000 व्यूज़ पे आपको $1 बन जाता है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से छोटी भी रहती है तब भी आपको तकरीबन 2000 व्यूज़ पे $1 बन जाता है। आजकल बन जा रहा है, अभी बन जा रहा है, बट ये सब भी डिपेंड करता रहता है। और भी बहुत से इसमें फैक्टर है दोस्तों जो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पे। लाइक अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो मोनेटाइज होने के बाद से उस वीडियो पे आपकी वीडियो पे जो भी ऐड चलते हैं उनकी भी अर्निंग कम होती है। जैसे वीडियो पुरानी होती रहती है उसकी अर्निंग भी बढ़ती रहती है। और भी ऐसे बहुत से फैक्टर है जो कि अर्निंग पे डिपेंड करती है। लाइक किसी मंथ में अगर कोई फेस्टिवल आ गया या फिर IPL चल रहा है, ऐसे में आपकी वीडियो की अर्निंग बढ़ जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजर दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें एड्स लगाते हैं, तो महंगे महंगे एड्स लगते हैं तो उसके ज़्यादा भी आप अर्निंग ज़्यादा करते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर जो डिपेंड करती है आपकी अर्निंग पे। बट अगर दोस्तों आपका YouTube टिप्स रिलेटेड चैनल है तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि तकरीबन 2000 व्यूज़ आप मान सकते हो। अगर आपकी वीडियो की लेंथ जो है 8 मिनट से छोटी है तो तकरीबन 2000 व्यूज़ पे आपको $1 बन जाता होगा, इतना आपका बन जाता है, मतलब मेरे चैनल पे बन जाता है। अगर आपका दोस्तों YouTube टिप्स रिलेटेड चैनल है तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि तकरीबन 2000 व्यूज़ पे आपको $1 बन जाएगा। आप डॉलर को कन्वर्ट कर लीजिएगा इंडियन रुपीज़ में, $1 कितना होता है, ठीक है, तकरीबन 75 के आसपास है। तो आपके चैनल पर आपकी वीडियो पे अगर 2000 व्यूज़ आते हैं तो आपको यहाँ पर $1 YouTube की तरफ से मिल जाता है, अगर आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो 8 मिनट से छोटी है तो, ठीक है, ये एवरेज आपको बता दिया, इतना मिल जाता है। अब ये सब डिपेंड करता है कि आप जो वीडियो बनाते हो उस वीडियो में अगर आप कोई वेबसाइट के बारे में बता रहे हो जो अर्निंग से रिलेटेड है, या फिर गूगल एड्स के बारे में बता रहे हो, या फिर कोई मोबाइल अनबॉक्सिंग कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों आपकी वीडियो की अर्निंग और बढ़ जाती है। तकरीबन वहां पर आपको 1000 व्यूज पे आपको $1 मिल जाता है। और अगर आपका YouTube टिप्स रिलेटेड है तो ऐसे चैनल में बता चुका दोस्तों कि तकरीबन 2000 व्यूज़ पे आप $1 मान सकते हो। और अगर आपके वीडियो पे 10000 व्यूज़ आ जाते हैं तो आपको तकरीबन $5 आपको यहाँ पे बन जाता है। अगर 1,00,000 व्यूज़ अगर आपके वीडियो पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों तकरीबन $50 आपको बन जाएगा यहाँ पर। और 1,000,000 व्यूज़ पे तकरीबन $400 से $500 यहाँ पर बन जाता है 1,000,000 व्यूज़ पे। आज के टाइम पे दोस्तों इतना बन जा रहा है, मेरे चैनल पे बन जा रहा है, मैं अपने चैनल का आपको प्रूफ भी दिखाया हूँ, ठीक है। तो इतना बन जा रहा है अगर आपका YouTube टिप्स रिलेटेड चैनल है तो। अगर आपका मान लो अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग पे दोस्तों तकरीबन 6,000 से 7,000 व्यूज़ पे $1 अभी बन रहा है, 6,000 व्यूज़ से 7,000 व्यूज़ पे $1 बनता है। और अगर आपका ब्लॉगिंग का है तो तकरीबन वही 4,000 से 5,000 व्यूज़ पे आपको $1 यहाँ पे बन जाएगा। कॉमेडी का है दोस्तों तो कॉमेडी में थोड़ा सा कम अर्निंग होती है, तो तकरीबन मान सकते हैं आपके 7,000 से 8,000 व्यूज़ पे वहाँ पर आपको $1 बनता है कॉमेडी वीडियोज़ पर।
तो दोस्तों ये थे कुछ कैटेगरी की अर्निंग जो मैंने आपको बताया है। अगर आप शॉर्ट्स रिलेटेड वीडियो बनाते हो, शॉर्ट्स अपलोड करते हो, तो शॉर्ट्स पे कितने हजार व्यूज पे कितना डॉलर बनता है पूरा प्रूफ मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। आप ये वाले वीडियो पे क्लिक करिए और जाके इस वीडियो को देखिए, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया हूं कि शॉर्ट्स फंड आपको कितने डॉलर पर मिलता है और अर्निंग कितनी होती है शॉर्ट वीडियो से। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नए वीडियो में।